क्या हाल चाल है। अभी हम लोग आए हैं इधर मकली की तरफ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शाहजहाँ का मकबरा है पीछे। पता नहीं शायद ऐसे ही मैंने पढ़ा रही है, लेकिन शायद ऐसा ही है। तो ये अभी तो इस टाइम बंद है, लेकिन शायद देखो थोड़ी देर तक खुल जाए तो मैं आपको अंदर से इसका भी मंजर दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इधर भी ये पीछे कमरे बनी हैं, काफ़ी पुराने ज़माने की हैं। इसमें भी डिफरेंट कुछ एक आपको तो सेंटर में देखें, वो उधर एक बच्चों की कमर है, बड़ों की कमर है, इंसान की है। इसमें आप इसका आर्किटेक्चर देखेंगे तो आपको काफ़ी देखिएगा कि कितना उसका डिज़ाइन है, वो कितना यूनिक है। जो पुराने ज़माने की कमरे होती थी, इसका सॉलिड पत्थर है पूरा, और मुझे तो ये वन पीस ही लग रहा है। ये पता नहीं क्या इनका आर्किटेक्चर डिज़ाइन था। इसके ऊपर इन्होंने कुछ कलमात भी लिखे हैं, यहाँ पे कुछ आयतें लिखी हुई हैं। अच्छा भाई, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये जान बाबा का मज़ार है, जो इसके दूसरे बेटे ने बनाया था तकरीबन 1700 सन में इसने बनाया था। ये आप पीछे देख सकते हैं। इसके अलावा इधर काफ़ी सारी कमरें हैं, तकरीबन 8-10 कमरे यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो आपको मैं भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ जो अंदर कब्रिस्तान है, कमरे जो बनी हैं अंदर, वो भी आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये इसके चार जो हैं सामने एक मिरर लगा हुआ है, इसके अंदर से अगर आपको थोड़ा जोर से दिखाता हूँ, इधर भी आपको कमरे दिखेंगे। अगर आप थोड़ा सा इसके ग्लोव आए तो आपको यहाँ पे कमरे जो है अंदर दिखेंगे आपको कमर। ये इन्होंने लॉक किया हुआ है पूरा, आपको देखें अंदर जो डिफरेंट कमरे हैं, ये आपको देखें उन्होंने ऊपर कवर किया हुआ है पूरा। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा क्लोज अगर आपको देखें, यहाँ पे आर्किटेक्चर देखें कितना यूनिक और सॉलिड किस्म का इनका आर्किटेक्चर है। तो ये है, अभी आपको मैं इनका एक ड्रोन शॉट भी दिखाता हूँ ऊपर से कि कैसा व्यू दे रहा है ये। तो आपको मैं एक ड्रोन शॉट भी दिखाता हूँ इसका पूरा, एक मकली के कब्रिस्तान का। अच्छा, ये आज हमारा शॉर्ट रिव्यू था, रिव्यू क्या एक छोटा सा टिप था मकली का, इसका छोटा सा आप लोगों को रिव्यू भी बनाया जाए इस प्लेस के बारे में। काफ़ी यूनिक है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो बड़ा यूनिक है, और कमरे बड़ी डिफरेंट किस्म की है। आपको नॉर्मली इस तरह का आर्किटेक्चर और ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये आपको नॉर्मली मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड बड़ा पसंद आया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे बताइएगा क्या कमी थी, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को मजीद सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।